प्रश्न है, ये भावनगर से है, गुजरात से। भावनगर नहीं, सॉरी सॉरी, श्रीकांत जी का है, जयपुर से। जयपुर से जी। मैं सन्यास की राह पर चलूं, मुझे मेरे जीवन से नफरत सी होने लगी है, मुझे कुछ राह दिखाएं। आपको जीवन एज, से एज है इनकी 26। आपको जीवन से नफरत होने लगी है, पहले नफरत का कारण ढूंढना होगा। नफरत क्यों हो रही है आपको? किसी असफलता से हो रही है? कहीं प्यार में धोखा खाया है? नौकरी नहीं मिल रही है? पत्नी ने प्रताड़ित किया है? माता पिता या भाई ने परेशान किया है? पहले उस विषय को समझना पड़ेगा और उस विषय को समझ के उसकी गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। सन्यास इसका समाधान नहीं है। सन्यास लिया नहीं जाता है, सन्यास तो अपने आप आता है। अनासक्त होने पर अपने आप सन्यास आता है, सन्यास लिया नहीं जाता है। इसलिए आप अपने अंदर पहले इस बात को झांकिए कि आपको जीवन से निराशा क्यों हुई, उसको सोचिए। उसका कारण या तो मुझे बताइए अगली बार, अन्यथा वहां किसी संत से, विद्वान से। और ये बात तो कोई अनुभवी गृहस्थ भी बता देगा कि जीवन में ये उतार चढ़ाव, परेशानियां, गिले शिकवे चलते रहते हैं। जीवन कभी उतार पर होता है, कभी चढ़ाव पर होता है, कभी खूब आनंद प्राप्त होता है, कभी खूब सुख प्राप्त होता है, कभी दुख भी आता है, परेशान भी होते हैं। तो घबराना नहीं है, न संन्यास लेना है और न घर से भागना है, न सुसाइड करना है, कुछ भी नहीं करना, मस्त रहना है। उन परेशानियों को जूझना है, परेशानियों का हल ढूंढना है। जब तक कोई रास्ता ना मिले तो आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, घंटा आधा घंटा बैठ के अपना समय वहां व्यतीत कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, साधु संत जन का संग कर सकते हैं। आपके आसपास कोई भी गली मोहल्ले में मंदिर हो, आप सुबह उठें और जाके वहां के पुजारी जी के साथ लग जाएं, ठाकुर की सेवा कराएं, सफाई कराएं, पूजा कराएं, वहां आने जाने वाले लोगों को प्रणाम करें, मिले उनसे, अपनी समस्या का शेयर करें। आपकी चित्तवृत्ति ठीक हो जाएगी और आप पुनः सही रास्ते पर आ जाएंगे। जय श्री राधे, जय निताई।